चिट फंड कंपनी ग्रीन टच प्रोजेक्ट द्वारा सोवर्जिन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर स्वर्ण संग्रह योजना सहित तमाम योजनाओं के तहत निवेशकों से हजारों करोड़ की धोखाधड़ी कर ठगने के विरोध में सैकड़ों निवेशकों का आक्रोश फूट पड़ा। शहीद स्मारक संजय प्लेस पर फील्ड वर्कर एवं निवेशक कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा हुए निवेशकों ने लाठियों को तेल पिलाकर संघर्ष का ऐलान किया। इस दौरान निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि सेबी ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा निवेशकों की धनराशि 15% वार्षिक लाभांश सहित वापस करने के आदेश दिए हैं, लेकिन कंपनी ने नोटिस जारी कर धनराशि देने में अक्षमता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घोषणा कंपनी कई बार कर चुकी है और ये निवेशकों की धनराशि को हड़पने का प्रयास है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कंपनी ने यदि निवेशकों का शीघ्र भुगतान नहीं किया तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा और वे हजारों की संख्या में लाठियों सहित दिल्ली कूच कर कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे। 2010 में ग्रीन टच प्रोजेक्ट नाम से एक कंपनी आगरा में आई जो कलकत्ता से संचालित है। उस कंपनी के को एमसीए और सेबी ने परमिशन दी निवेशकों से पैसा उठाने की। हम लोगों ने सेबी और एमसीए की जो गारंटी थी उसे देख करके निवेश कराया, लेकिन कंपनी विगत 2.5 साल से लोगों का निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर रही है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी को लिखा है। इतना हुआ है कि सेबी ने पैसा वापस करने के लिए आदेश किया है और उसकी रिकवरी में ढिलाई बरती जा रही है, जिससे कि निवेशकों का पैसा दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि निवेशकों का पैसा दे, अन्यथा निवेशक मजबूर होंगे कि आज हम सैकड़ों लोग हैं यहाँ, हजारों की तादाद में आगरा से दिल्ली तक लाठियों को लेकर के कूच करेंगे। ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड, सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जी टच प्रोड्यूसर, ये तीनों कंपनी एक ही मालिक की है और ये पिछले 2.5 से 3 साल से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। वहाँ हेड ऑफिस में जाके लोग बात करते हैं, हम भी गए, लोगों के साथ मारपीट करी जाती है और लोगों को धमकाया जाता है। वहाँ के पुलिस प्रशासन के और वहाँ की सरकार उनकी मदद कर रही है, सब पुलिस भी उनकी मदद करती है। वहाँ शिकायत लेकर लोकल थाने में जाते हैं तो वो पुलिस वाले भी हमें डरा धमका के हमें भगा देते हैं वहाँ से। तो हम ये सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी हमारा पैसा निवेशक के खाते में दिलवाया जाए, नहीं तो हम हजारों लोग इकट्ठा हो गए लाठियों के साथ में दिल्ली कूच करेंगे। गौरतलब है कि करीब 3 वर्ष पूर्व ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत FDRD, MIS में निवेश के नाम पर आगरा सहित उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों के कई जिलों में शाखाएं खोलकर हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। कंपनी के खिलाफ निवेशकों ने आगरा सहित अन्य जिलों में मुकदमे भी कायम कराए थे, जिस पर सेबी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 1 दिसंबर 2015 को निवेशकों की धनराशि 15% वार्षिक लाभांश सहित वापस करने के आदेश दिए थे, लेकिन 3 वर्ष बाद भी कंपनी द्वारा निवेशकों को टरकाने के सिवा कुछ नहीं किया जा रहा, जिससे निवेशकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा।